नमस्कार दोस्तों, आज के टॉप हेडलाइंस हैं। गाजा में संघर्ष से भारत और इजराइल के बीच रक्षा संबंध प्रभावित नहीं हुए। भारत के आर्चर एनजी आर्म ड्रोन प्रोटोटाइप अगले महीने में रोल आउट होगा। ग्रेट बॉर्ड्स का टाइटन टैंक डिस्ट्रॉयर ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज में हिस्सा लेगा। भारतीय वायुसेना के सुपर सुखोई प्रोग्राम में 51 मेजर अपडेट्स होंगे। भारतीय वायुसेना कम लागत वाली क्लोज इन वेपन सिस्टम को विकसित करेगी। बढ़ते पहले अपडेट की तरफ, गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। ऐसे में इजराइल ने भारत को आश्वासन दिया है कि उनकी रक्षा आपूर्ति बिना किसी व्यवधान के जारी रहेगी। भारत इजरायली हथियारों का सबसे बड़ा बाजार भी है और मिसाइल, सेंसर, रडार, ड्रोन और नाइट विजन उपकरणों सहित उन्नत सैन्य हार्डवेयर की एक विस्तृत श्रृंखला को खरीदता है। वहीं भारत की तरफ से भी पुष्टि की गई है कि इजराइल ने अपने रणनीतिक रक्षा संबंधों के महत्व पर जोर देते हुए भारत को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता बताई है। आपको बता दें कि भारत ने पहले ही अपने आपातकालीन खरीद प्रयासों के तहत इजराइल से स्पाइक LR लॉन्ग रेंज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लिए ऑर्डर दिया है। इसके अतिरिक्त भारतीय नौसेना के कई जहाजों पर MF स्टार जैसे इजरायली रडार का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय रक्षा और अर्धसैनिक बल भी इजरायली छोटे हथियारों का उपयोग करते हैं, जिनमें नेगेव लाइट मशीन गन, टेवर असॉल्ट राइफलें और गैलिल स्नाइपर राइफल शामिल है। यही नहीं दोस्तों, इजराइल भारत को ड्रोन का प्रमुख आपूर्तिकर्ता भी रहा है, जिसमें हेरॉन, हार्पी और सर्चर MK2 शामिल है। और 2019 में बालाकोट हवाई हमले के दौरान भारतीय लड़ाकू विमानों के द्वारा इजराइल निर्मित स्पाइस 2000 बमों का इस्तेमाल किया गया था। इजराइल भारत के लिए रक्षा और सुरक्षा में एक करीबी भागीदार बना हुआ है। इजरायली तकनीक और कंपोनेंट्स को भारत में उत्पादित अलग अलग हथियार प्रणालियों में एकीकृत किया गया है, जिससे कि दोनों देशों के बीच न केवल संबंध और ज्यादा मजबूत हुए हैं बल्कि द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की ताकत और ज्यादा बढ़ी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि चाइना के J-20 फाइटर जेट को लेकर आ रही है। दोस्तों, काफी लोग J-20 के बारे में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चाइना का ये J-20 फाइटर जेट भारत के साथ युद्ध में एयर सुपीरियरिटी यानी कि हवाई श्रेष्ठता प्रदान कर सकता है चाइना को। लेकिन दोस्तों, इस बारे में एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जो कि J-20 की क्षमताओं और उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में इसके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में है। दरअसल ये दावा किया गया है कि J-20 पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट है, जो कि एक भ्रामक है। ग्लोबल टाइम्स में चीनी विशेषज्ञों के अनुसार J-20 वास्तव में चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है और जो हकीकत वाले पांचवी पीढ़ी के विमान की विशेषताएं हैं उनमें गुप्त क्षमताएं होती है, जो उन्हें रडार का पता लगाने से बचने की अनुमति देती हैं। वर्तमान में दुनिया में केवल 3 पांचवी पीढ़ी के विमान हैं, जिसमें कि अमेरिकी F-35 और F-22 और थोड़ा बहुत रशियन SU-57 है। दोस्तों, J-20 के डिजाइन में कैनार्ड मुख्य पंख के आगे यानी कि मेन विंग के आगे फ्यूजलाज पर लगे छोटे आगे वाले पंख शामिल है, जो कि पांचवी पीढ़ी के विमानों की विशेषता नहीं होती। ये डिजाइन J-20 की गुप्त क्षमताओं से समझौता करता है, क्योंकि ये रडार संकेतों को प्रतिबिंबित करता है, जिससे कि ये पहचान से बचने में कम प्रभावी हो जाता है। भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड अधिकारी एयर मार्शल अनिल चोपड़ा ने भी J-20 की गुप्त क्षमताओं पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि J-20 पुराने रूसी इंजनों का इस्तेमाल करता है, जो रडार और इंफ्रारेड सिग्नेचर दोनों को छिपाने के लिए खराब तरीके से डिजाइन किए गए। इसके विपरीत राफेल एक फ्रांसीसी लड़ाकू जेट है और इसमें टाइम टेस्टेड इंजन है, जो अधिक विश्वसनीयता, लॉन्गेविटी और रखरखाव प्रदान करता है। इसके अलावा चीनी इंजन WS-15 जो J-20 में इस्तेमाल किए गए हैं वो निर्धारित समय से पीछे चल रहे हैं, जिससे कि ये संदेह पैदा हो रहा है कि ये वास्तव में तैनाती के लिए कब तैयार होगा। तिब्बत में जिस तरीके का वातावरण है, ऐसे में भारत के साथ संघर्ष में J-20 की तैनाती चाइना करेगा, जो कि उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तिब्बत के उच्च ऊंचाई वाले पठार में ऑक्सीजन का स्तर कम है, जो विमान के प्रदर्शन को प्रभावित करेगा। तिब्बत हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमान पूरा पेलोड ले जाने में असमर्थ होंगे और उन्हें सीमा और गतिशीलता के मामले में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वहीं इसके विपरीत भारत के पास LAC के पास कम ऊंचाई पर हवाई क्षेत्र का एक बड़ा नेटवर्क है। राफेल, सुखोई 30 MKI और MiG-29 जैसे भारतीय लड़ाकू विमानों को ऐसी किसी सीमा का सामना नहीं करना पड़ता और वे अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर सकते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा कि 7 अक्टूबर को भारी हथियारों से लैस हमास आतंकवादियों के द्वारा पैराग्लाइडर का इस्तेमाल करके इजरायली हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की गई। उसके बाद उन्होंने जमकर इजरायल में तबाही मचाई। ऐसे में दोस्तों, इस बात से जो भारत का सैन्य प्रतिष्ठान है वो भी सदमे में है, क्योंकि हमले का ये एक नया तरीका है और इस तरीके का दुस्साहस कश्मीर और अन्य जगहों पर सुरक्षा बलों के खिलाफ किया जा सकता है।
यानी कि इस तरीके के हमले की नकल की जा सकती है। भारतीय सेना कमांडरों का सम्मेलन यानी कि ACC की एक बैठक होने वाली है, जिसमें कि इस तरीके के जो सबक और खतरे हैं, जिसमें कि इस तरीके की चुनौतियों से निपटने के बारे में चर्चा की जाएगी। दोस्तों, हमास का हमला पैराग्लाइडर को हमले के तरीके के रूप में इस्तेमाल करने का यह पहला उदाहरण नहीं है। इससे पहले दोस्तों 1987 में भी फिलिस्तीनी उग्रवादियों ने इजरायली हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए लेबनान की दक्षिणी सीमा के पास इजरायली डिफेंस फोर्स की चौकी पर हमला किया, जिसमें पैराग्लाइडरों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि पैराग्लाइडिंग उग्रवादियों को मार गिराया गया, लेकिन उससे पहले इसराइल के 6 सैनिक मारे गए और कई घायल हुए। ACC की इस मीटिंग में दोस्तों और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें कि भारत चीन सैन्य वार्ता शामिल है, क्योंकि कड़ाके की सर्दी फिर से नजदीक आ रही है। खासकर की पूर्वी लद्दाख की ठंडी ऊंचाइयों में ये बातचीत और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारतीय वायुसेना के चेतक हेलीकॉप्टर की प्रयागराज में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बता दें कि तकनीकी खराबी की वजह से इसे इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। हालांकि मौके पर तकनीकी टीम पहुंची और हेलीकॉप्टर को फिर से वायुसेना अड्डे पर वापस भेज दिया गया। मध्य वायु कमान ने कहा कि रेगुलर ट्रेनिंग मिशन पर निकले इंडियन एयरफोर्स के चेतक हेलीकॉप्टर ने सुबह 10:40 पर प्रयागराज के पास होलागढ़ में सुरक्षित एहतियाती लैंडिंग की। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारतीय वायुसेना अब सुपर सुकोई प्रोग्राम के तहत तेजी से काम कर रही है और आप सब जानते हैं कि करीबन 84 सुखोई 30 MKI विमानों को उन्नत किया जाएगा और उन्हें अत्याधुनिक क्षमताएं दी जाएगी ताकि उनका प्रदर्शन बढ़ाया जा सके। हालांकि इसमें रूस के कुछ कंपोनेंट्स भी शामिल होंगे, लेकिन अधिकांश जो अपग्रेडेशन में उपकरण इस्तेमाल होंगे वो स्वदेशी रूप से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत 51 यानी कि 51 प्रमुख अपग्रेडेशन किए जाएंगे, जो कि सुखोई 30 MKI को भारतीय वायुसेना के लिए और भी अधिक शक्तिशाली संपत्ति बना देंगे। और इस अपग्रेडेशन में दोस्तों फ्लाई बाय वायर कंट्रोल एवियोनिक्स, जिसमें कि फुल टच आधारित बड़े स्क्रीन मल्टीफंक्शन डिस्प्ले, उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे फायर कंट्रोल रडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और उन्नत मिशन कंप्यूटर और बेहतर हथियार प्रणालियां होंगी। इसके अलावा जो इंजन की बात आती है तो इंजन तो AL-31F ही रहेगा, लेकिन HAL और गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट इसकी सर्विस लाइफ को बढ़ाने और इसके प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए सहयोग करेंगे, जो ये सुनिश्चित करता है कि इंजन अपनी सर्वोच्च पावर और दक्षता बनाए रखे। सुपर सुखोई प्रोग्राम को 2 चरणों में एग्जीक्यूट किया जाएगा। पहले चरण में 84 सुखोई 30 MKI विमान अपग्रेड किए जाएंगे। दरअसल सुपर सुखोई प्रोग्राम भारतीय वायुसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है और ये उन्नत विमान आधुनिक हवाई युद्ध की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे और 2050 तक बने रहेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अब कम लागत वाले क्लोज इन वेपन सिस्टम सॉल्यूशन को तैयार करेगी और इन प्रणालियों को उभरते हुए कम लागत वाले हवाई खतरों जैसे कि लॉयटरिंग मिनिशन और सबसोनिक क्रूज मिसाइलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये कदम तब उठाया गया है जब हाल ही में कुछ खतरों को नोटिस किया गया। हालांकि इंडियन एयरफोर्स आमतौर पर एक सतह और एक वायु रक्षा प्रणाली से लैस है, जो कि लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टर सहित हवाई खतरों के खिलाफ इनर कवर के रूप में जानी जाती है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि रूस और यूक्रेन युद्ध में आपने देखा होगा कि कॉस्ट इफेक्टिव लॉयटरिंग म्यूनिशन और सबसोनिक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, ऐसे में मौजूदा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन पर ये भारी पड़ सकते हैं। इसीलिए इनके खिलाफ कम लागत वाले जो क्लोज इन वेपन सिस्टम है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इन्हें बड़े पैमाने पर भी उत्पादित किया जा सकता है। ये सिस्टम डिफेंस की एक महत्वपूर्ण परत के रूप में काम करेंगे और ये कम लागत वाले खतरों से सुरक्षा प्रदान करेंगे और जो हमारे प्रमुख एयरबेस और सुविधाएं हैं उनकी सुरक्षा को निश्चित करेंगे। भारतीय वायुसेना के द्वारा विकसित किए जा रहे क्लोज इन वेपन सिस्टम में बंदूक आधारित और कम दूरी के मिसाइल आधारित सॉल्यूशंस शामिल होंगे, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होंगे और भारतीय वायुसेना को उभरते हुए खतरों के खिलाफ मजबूत रक्षा बनाए रखने में मदद करेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, आर्चर NG आर्म ड्रोन के पहले प्रोटोटाइप का रोल आउट नवंबर के अंत में होगा और इसकी पहली फ्लाइट अगले 6 महीनों में आयोजित की जाएगी। बता दें कि इसकी स्पीड 225 किलोमीटर प्रति घंटा है, इंड्योरेंस होगा 24 घंटे का और इसमें 4 हार्ड पॉइंट्स होंगे, जो कि अलग अलग रेंज के हथियार ले जा सकते हैं, जो कि 300 किलोग्राम के होंगे, जिसमें कि 100 किलोमीटर वाले DRDO के 100 मिसाइल, 100 किलोमीटर रेंज वाले UAV लॉन्च लॉयटरिंग म्यूनिशन और UAV लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन लगे होंगे, जो कि दुश्मनों के टैंक और आर्मर्ड व्हीकल को टारगेट कर सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, ग्रिडबॉट टेक्नोलॉजी ने घोषणा की है कि उनका टाइटन बैटल टैंक डिस्ट्रॉयर ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज में भाग लेगा इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की, और ये किसी क्लासिफाइड जगह पर किया जाएगा। बता दें कि ये मैनुअल और ऑटोनोमस मोड दोनों पर काम कर सकता है और ये ऑटोनोमसली दुश्मन के टैंक को ट्रैक कर सकता है।
और उन पर 2.5 किलोमीटर रेंज वाली अमोका 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को दाग सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तुर्की के द्वारा पाकिस्तान को बैरकटर TB2 आर्म ड्रोन देने के बाद अब तुर्की पाकिस्तानी एयरफोर्स को पहले बैच के तहत एकेंसी आर्म्ड अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल दे रहा है, जिसकी रेंज 7,500 किलोमीटर है। इसका इंड्यूरेंस 24 घंटे का है, वो भी 30,000 फीट तक। यानी इसमें हाई परफॉर्मेंस ऐसा रडार लगा है, इसके अलावा इसमें सिग्नल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर मॉड्यूल भी लगा है, और ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल लॉन्च कर सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने सेना की तकनीक उसके काम करने के तरीके में बदलाव करने की बात कही है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि हालिया वैश्विक घटनाओं में भारत की भूमिका डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में सेना का विकास करना समय की मांग है और 21वीं सदी भारत की सदी है, इसलिए सेना को देश की जरूरतों के हिसाब से बदलना होगा। CDS अनिल चौहान जी ने कहा कि वास्तविक समस्या अवसरों की कमी नहीं बल्कि अचानक से आ जाने वाले संकट की है, जिनको लेकर हमें जरूरी तैयारियां करनी होती है। यानी उन्होंने बताया कि चुनौतियां और खतरे बहुत आसान हैं, लेकिन अवसर वास्तविक समस्याएं हैं क्योंकि ये अचानक सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कौन से अवसर आएंगे इसकी भविष्यवाणी करना हमारे लिए बड़ी चुनौती होगी। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।